दिनांक 18 अगस्त 2024 को थाना सराय ममरेज पर पीड़िता के भाई द्वारा तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि पीड़िता के साथ में एक गैंगरेप की घटना जो है वो घटित हुई है। इस संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए 197/24 मुकदमा अपराध संख्या थाना सराय ममरेज पर पंजीकृत किया गया। तमाम तकनीकी साक्ष्य, मानवीय साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य व न्यायालय में बयान के आधार पर ये मुकदमा फर्जी पाया गया है। पीड़िता व उसका एक साथी राजेंद्र भारतीय, इन दोनों के द्वारा षड्यंत्र रच के उसके जेठ के विरुद्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तमाम साक्ष्यों के आधार पर मोतीलाल पटेल जो कि पीड़िता का जेठ था उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 248/24 पंजीकृत किया गया है और अभियुक्ता व सह अभियुक्त राजेंद्र भारतीय को न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। इसके द्वारा जो है अभियुक्ता के द्वारा बताया गया है कि इनका एक जो ज़मीनी विवाद भी चल रहा था और साथ ही साथ इसको अपने ससुराल जाने में जो है वो समस्या आ रही थी, अपने जेठ को रास्ते से हटाने के लिए उसके विरुद्ध में फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। यानी संपत्ति को हड़पना चाहती थी। जी, बयानों में और भी चीज़ें आई हैं, ये अपने जेठ को जेल भिजवाना चाहती थी षड्यंत्र रच के, जिसके अंतर्गत ये फर्जी मुकदमा इसके द्वारा रजिस्टर कराया गया। राजेंद्र भारती का क्या रोल रहा? ये पूरे षड्यंत्र में इसके साथ में था और साथ में ही प्लानिंग किया था और इसकी पूरी मदद इस FIR को रजिस्टर कराने में इसके द्वारा की गई थी।